तो आज का टॉपिक यही है कि मैं जब मैं छोटा था और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो फैमिली यानी हमारे माँ बाप पेरेंट्स जो भी हो ना, हर माँ बाप की यही एक उम्मीद होती है कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे की लाठी बन सके, यानी जब हम बुढ़े होंगे तो हमारे जब देखभाल करना हो, जो कुछ भी हो, हमारा बेटा या बेटी जो भी हो, कम से कम हमारा मददगार बने। हर माँ बाप की उम्मीद यही होती है ना। जो भी हमें देख पा रहे हैं ना इस YouTube प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उन सबको नमस्कार और तिब्बती भाषा से कहें तो टाशी दिले सभी को। और आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और इस कोरोना महामारी से बचने की कोशिश करें, ताकि स्वच्छ रहें और घर से बाहर ना निकलें, जितनी हो सके अपने घर में ही रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। तो आज का टॉपिक हम, वैसे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हिंदी में करना, जहाँ तक अभी तक मैंने वीडियो बनाई बहुत सारी टिबेटन लैंग्वेज से बनाई है, तो आज ये फर्स्ट वीडियो है। हमारा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लोगों को भी शेयर करें, ताकि बौद्ध भिक्षु क्या है या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रहते हैं तो कैसे रहते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, वो मैं पूरा डिटेल और कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग समझें। अब आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ मोनेस्ट्री में कैसा कैसा होता है वो मैं एक एक डिटेल में आप लोगों को एकदम परफेक्ट करके क्लियरली मैं उसके हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना हुआ, वो भी मैं आज से लेके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं पूरी हिंदी में बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमारे इंडियन लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, और उन लोग अगर वो लोग समझ जाएँ तो जिसको अगर बौद्ध भिक्षु बनना होगा तो वो खुद ही बनेंगे, ना कि वो सपने कुछ बड़े बड़े लेके आए जो कर ना पाए तो वो फायदा नहीं। हमारे ये कहाँ पे होता है मैं बात करूँ तो ये हमारे यूपी साइड में ज़्यादा हो रहा है फिलहाल, आजकल तो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि बहुत सारे जो पहले मॉन्क बनने आए यहाँ पर, मतलब उन्हें पता नहीं था कि हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर मॉन्क बनाया जाएगा, यहाँ पर बौद्ध यानी बौद्ध भिक्षु का यहाँ पर हम रूप लेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं होता। जब वो यहाँ पर आते हैं, 1 साल बीता, 2 साल बीता, किसी न्यू लैंग्वेज को हमें सीखने में कुछ वक्त तो लगता है, पर वो समझ नहीं पाते कि हमें इसमें टाइम लगेगा, या फिर जो भी कह लो, उनके अंदर कोई भी, या तो उनका सपना बड़ा होता है या कुछ भी कह लो, तो उस हिसाब से वो लोग यहाँ पर नहीं रहते और चले जाते। तो उसको देख कर क्या होता है, जिसको भी अगर बौद्ध धर्म पर अच्छे से चलना होता है या फिर जो भी कह लो बौद्ध भिक्षु बनने का होता है, तो वो लोग उसकी सुन के या फिर उसको देख के, उनके अंदर जो होता है ना, हमें बौद्ध भिक्षु बनना है या फिर हमें बौद्ध धर्म पे अच्छे से चलना है, बौद्ध धर्म को हमें समझना है और उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर हमें अभ्यास भी करना है, तो उनको क्या बोलते हैं, वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो लोग उनके अंदर पहले से भावना होती है कि हम भी कुछ ऐसा बनेंगे, तो वो क्या होता है, वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा होता है। वो है यूपी साइड की, मेरा मेन मुद्दा यही था ये वीडियो बनाने का, कि यूपी साइड की, क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया से ही शुरू हुआ है, हमारे भारत से शुरू हुआ है, तो वो आज देखा जाए, आज वो बौद्ध धर्म हमारे भारत में, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति यानी हिंदी कह लो या फिर संस्कृति भाषा में कह लो, वो मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, यानी ना के बराबर हो चुका है काफ़ी हद तक। अब वो बचा है वो किस भाषा में, वो जो हम सीख रहे हैं अभी, जिस लाइन पे हम चल रहे हैं वो है टिबेटन भाषा, उसमें काफ़ी हद तक है, मौजूद है अभी तक, उसमें भी काफ़ी लॉस्ट हुआ है बौद्ध धर्म, पर भी जितना हमें चाहिए ना, हमारे लायक जो भी हो सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं, वो पूरा अभी तक मौजूद है तिब्बती भाषा में। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे कि माँ बाप, अभी जैसे कि मैंने बताया था, हर माँ बाप की उम्मीद होती है कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके हमारे बेटा हो या बेटी हो ना। तो आजकल जितने भी नए मॉन्क आ रहे हैं ना, तो उनको क्या हो रहा है कि जो लोग को किसी गार्जियंस को सलाह देते हैं कि आप अपना बेटा ऐसे ऐसे बाहर भेजो, वो पढ़ लिख कर आपकी बुढ़ापे की लाठी काफ़ी अच्छी बन सकेगा, ऐसी थॉट्स उनके माइंड में पैदा कर देते हैं, एक ऐसी भावना डाल देते हैं, तो उनके माँ बाप भी सोचते हैं कि हाँ हमारा बेटा, चलो कुछ नहीं तो हमारा फ्री में पढ़ रहा है, यानी मोनेस्ट्री में तो वो तो फ्री पढ़ाया ही जाता है ना। तो वो लोग, कोई कोई लोग करते हैं कि गांव गांव में जाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रचार तो कर रहे हैं, बढ़िया बात है, हम ये नहीं कह रहे अच्छी खराब बात है, ये बहुत अच्छी बात है, प्रचार करना चाहिए, पर जो वो लोग थॉट्स, जो एक भावना किसी के माँ बाप के अंदर या किसी के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो एक भावना पैदा कर रहे हैं ना, वो सबसे गलत भावना पैदा क्या कर रहे हैं कि उनको
भीतर से हिला के रखते हैं। जैसे कि कोई कोई बच्चे तो हो गए, हाँ, जैसे कि घर पे, जब तक घर पे पढ़ रहे हैं तब तक 10th क्लास कर रहे हैं, कोई 12th कर रहे हैं, कोई 9th, मतलब यानी जहाँ तक पढ़े हैं अपनी जितनी पढ़ सके उतने पढ़ रहे होते हैं। अचानक से उनके माँ बाप कहते हैं, चलो बेटा अब तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, या फिर जो भी हो उनको कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर वो सोचते हैं कि हमारा बेटा फ्री पढ़ाई मिलेगी तो हम क्यों ना उसे उसका फ़ायदा लें, ना जो फ्री पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसका फ़ायदा लें। वो सोच के क्या करते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारा बेटा यहाँ वहाँ पर बौद्ध भिक्षु बनने जा रहा है, या फिर जो भी, या टिबेट मॉन्क के यानी बुद्धिस्ट मॉन्क बनने जा रहे हैं, उनको पता नहीं होता। बस जो लोग, कोई कोई लोग होते हैं उनके पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें समझाते हैं, ऐसे ऐसे हमारा आपका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा बन जाएगा, ये है वो है, ऐसे ऐसे मतलब कई सारी भावनाएं उनके अंदर पैदा कर देते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं तो यहाँ बर्बाद हो जाए, क्योंकि उन्हें भिक्षु की लाइफ बननी नहीं है, बौद्ध भिक्षु नहीं बनना है, उन्हें कुछ और करना था। उनका जो माइंड क्या नहीं, उनके अंदर जो एक सोच थी ना, उनकी उम्मीदें थी, वो कुछ बहुत बड़े बड़े सपने थे उनके पास, तो वो सपने पूरे नहीं हो पाते। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु का मतलब ये है कि धर्म के ऊपर चलना, पुण्य कमाना, हाँ, यानी जब तक हमारा ये शरीर है, शरीर मिलना, एक मानव का शरीर मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो तो कितने कितने कर्म करने पड़ते, वो तो आप लोग भी कोई कोई जानते होंगे, नहीं जानते फिर भी कोई कोई बात नहीं, फिलहाल हम जिस टॉपिक पर कर रहे हैं वो टॉपिक समझ गए, वही काफ़ी है। तो वो लोग आते हैं, जैसे कि मैंने भी किसी के मुंह से सुना था, एक था जैसे कि 10th क्लास में पढ़ रहा था वो घर पे, बाद को उसको मॉनेस्ट्री में अचानक से भेजा गया, उनके माँ बाप ने सोचा कि हम बाहर भेजते हैं अपने बच्चे को तो वो पढ़ लिख कर शायद अच्छा बन जाए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बुरा बुरा बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर टॉपिक इसकी बात कर रहा हूँ जो उनके सपने होते हैं, उन्हें सपना होता है कि हम इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, या फिर जो भी कह लो, डॉक्टर तो इसमें भी बन सकते हैं, पर जो हमारा प्राचीन भारत का जो आयुर्वेद है उसी के तौर पर टिबेटन को एक आयु टिबेटन का भी उनका आयुर्वेद है, तो वही टॉपिक्स वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। जैसे कि मैं टिबेटन मेडिकल बुद्धिस्ट साइंस में पढ़ रहा हूँ, मैं भी एक, जैसे कि आपने मेरा चैनल देखा होगा, टिबेट डॉक्टर शाकिब की ऐसा चैनल है, इसलिए मैंने, जैसे कि मैं जो हूँ उसी के हिसाब से मैंने चैनल का भी नाम दिया। तो उसमें क्या होता है ना कि उन लोगों के अंदर ऐसी भावना आते, बाद में एक साल बीता 2 साल बीता, फिर वो कहते हैं मेरा सपना तो पूरा हो ही नहीं रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत रास्ता पे आ गया हूँ। तो वो चले जाते हैं, 1-2 साल उनकी जो घर पे पढ़ाई कर रहे थे, यानी जो बाहर हॉस्टल वगैरह जहाँ पे भी, स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह जहाँ पे भी पढ़ रहे थे, उनकी 1-2 साल वेस्ट हो ही जाती हैं, और यहाँ पर आके ना यहाँ का कुछ समझ में आया, जो था वहाँ का वो भी भूल गए। तो ऐसा होता है दोनों मिक्स करके, फिर वो कहते हैं मैं बर्बाद हो गया, ऐसे मुझे सुनने में आया ना, एक किसी के मुख से सुना था मैंने। तो इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हों, जो भी हमें देख सकते हैं, तो अगर ने से पहले अच्छे से पूरे डिटेल में जानकारी करें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका लक्ष्य क्या है, अपने बच्चे को पूछें कि बेटा तू क्या बनना चाहता है, बेटी तू क्या बनना चाहती है ना, अपने बच्चों का लक्ष्य जो होता है, उनका सपने क्या है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जोर डालेगा, बेटा तू डॉक्टर बनना, विधेयक होती हैं जो सपने होते हैं, हम इंजीनियर बनना, जो कुछ वो सब यहाँ पे नहीं है। हम जो लोग हमें, मतलब बाहर के लोग जो भी हो, हमें डोनेट कर दें कुछ, तो हम उसी से हमारा खर्चा पानी जो कुछ भी सब चलता है, मॉनेस्ट्री से हमारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि धर्म के थ्रू चलना है, बस उसमें ही सब कुछ है, अगर जहाँ तक अपने ये क्या बोलते हैं समझ सके। पर क्या है ना कि पढ़ाई करने के लिए अगर कोई, जैसे कि संस्कृत में पंडित बोलने वाले, पंडित दो होते हैं, एक तो जात हो गई पंडित की, और एक हो गया कि पंडित मतलब यानी विद्वान, उसको जो यानी मतलब जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं ना वो पूरी कंप्लीट करके तब उन्हें एक अपनी एक जगह मिलती है इसमें, तो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या है ना कि भिक्षु बने आपको अच्छा लगता है, आपको बेटे को पसंद है कि हमें बौद्ध भिक्षु बनना है, हमें इस राह पर चलना है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं छोटा था तो मुझे बताया था कि तू बेटा तू वहाँ पे जाएगा, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनेगा, अपने माँ बाप को पैसे कमा के ठीक है ठीक से देगा, मतलब ये ऐसा ऐसा कुछ सुनाया गया था बहुत कुछ। आज भी देखें जाके तो मतलब जो भी बहुत भिक्षु जो मतलब शुरुआत में आते हैं, कुछ साल रहकर चले जाते हैं, उनको या फिर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर जो भी कह लो कोई भी दिक्कत हुई उन्हें, या उनको अपने फैमिली से बहुत प्यार है तो उन्हें छोड़कर या फिर उनसे दूर नहीं रह पा रहे, तो कुछ लोग इस कारण से चले जाते हैं, या फिर उन लोगों को कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, या जो भी है यानी अपनी अपनी, सभी को हर एक अपनी अपनी समस्याएं होती हैं ना, तो वो तो अपनी अपनी छोड़ दो, है ना, अपनी अपनी सबको पता ही होगी, तो वो कुछ कुछ अपनी अपनी समस्या लेके चले जाते हैं। वो बात ठीक है, जहाँ तक मैंने सुना है
और जो हो रहा है आज भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि चिराग दिखा रहे पर क्या हो रहा है, बच्चे खुद नहीं रह रहे हैं। वो क्या कारण है कि उनके सपने बड़े बड़े होते हैं, माँ बाप के सपने बड़े बड़े होते हैं, वो अपने माँ बाप बच्चों को समझाते हैं बेटा तू पढ़ लिख कर अच्छा से पढ़ना, कम से कम तू कुछ बने, है ना। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है। हमारे जो भारत के लोग हैं उनको समझ पाना, उनको समझाने के लिए चैनल बनाना, और जो भी हो, मैं टिबेटन बुद्धिस्ट टिबेटन मेडिकल साइंस में पढ़ रहा हूँ, तो उसके थ्रू मैं आप लोगों को जहाँ तक हो उसकी नॉलेज पहुँचा सकूँ, या फिर मैं यहाँ पर, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ यहाँ पर हिमाचल के अंदर, आसानी से आप लोगों के बीच वीडियोस ला सकें बौद्ध भिक्षु के ऊपर, यानी बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री, टिबेटन बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री और टिबेटन कल्चर यानी बौद्धिस्ट कल्चर, जो भी हो कह लो, मैं सब कुछ क्लियर करने की प्रयास करता हूँ।